तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे ये पहली स्टिक देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से ड्रैग करते हुए सामने निकल के आ जाती है। जैसे ये टीजिंग साउंड वो सुनेंगे वो दूर भाग जाएंगे। साथ ही आप देख सकते हैं एक और बेहतरीन हमारे पास गैजेट है, इसको बोलते हैं पॉकेट पेन नाइफ, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे। बट इसके अंदर इनसाइड आपको मिलता है हिडन नाइफ। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अपने पाल पे इसको लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर बटन, दोस्तों यहाँ पर इसने मुझे अच्छा खासा शॉक दे दिया है। यहाँ पर आप दोनों को देख पाएंगे तो एक माइनर सा ही इनके अंदर डिफरेंशिएशन आगे की तरफ से आप देख सकते हैं। सो हे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पर आपने वीडियो के ग्लिम्स देख लिए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की, सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते थे, उन्हीं को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होने वाला है पॉकेट पेन नाइफ। क्लोजअप लेने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको क्लोजअप में भी दिखा देता हूँ सब। यहाँ पर मैं आपको दो तीन आइटम निकाल के दिखाऊंगा ताकि आप यहां पर सबकी डिटेलिंग देख सके। तो आप यहां पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जब आप ट्विस्ट करेंगे तो यहां पर पेन निकल के आ जाता है। यहां पर मैं आपको चला के दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर दोस्तों ये पेन आप देख सकते हैं कि चलने लग गया है। यहां पर जैसे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे यहां पर ये नाइफ निकल के आ जाता है कुछ इस तरीके से। आप यहां पर देख सकते हैं साइज, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होगा, तकरीबन 15 सेंटीमीटर आप मान सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये नाइफ निकल के आ जाता है। यहां पर ये सेम ही रहने वाला है, बस कलर आपको ये चॉइस मिल जाएंगी। यहां पर काफी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के अंदर दिखने को आपको दोस्तों कुछ बिल्कुल सिंपल पेन सा दिख रहा होगा, बट ट्रस्ट में दोस्तों यहां पर क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो यहां पर ये तो होने वाला है आपका पॉकेट पेन नाइफ। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं टीजर गन की, जो कि कुछ इस तरीके की होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये टॉर्च होती है इसके अंदर, जो कि एक इल्यूजन ही होता है टॉर्च बस दिखाने के लिए कि लोगों को लगता है कि एक टॉर्च है, बट आप अपने सेफ्टी के लिए इसको रख सकते हैं। हम बिल्कुल भी रिकमेंडेट नहीं करते हैं कि आप किसी को हार्म करें, क्योंकि हम इसके लिए आपको एक कंसेंट भी लेंगे डिजिटल, जिसके अंदर बस आपको अप्रूव करना होगा कि हम सिर्फ उसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर बटन होता है, जैसे आप इसको दबाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों काफ़ी वियर्ड साउंड करता है। पीछे की तरफ यहाँ पर एक सेफ्टी स्विच भी मिलता है जहाँ पर ऑन ऑफ आप इसको कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको पीछे की तरफ करेंगे यहाँ पर टीजिंग गन चालू कर देगा यहाँ पर बटन दबा के। जैसे अगर आपकी लाइट ऑन है तो यहाँ पर टीजिंग काम नहीं करेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा फायदा है कि इसके अंदर आपको ये एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि एक्सीडेंटली आप शॉक ना खाएं। पीछे की तरफ से भी इसके अंदर एक और एडिशनल बटन है, तो यहाँ से जैसे आप ऑफ कर देंगे, मैंने लाइट भी ऑफ कर दी बट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं पीछे से इसका बटन ऑन करूँगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं टीजिंग गन चालू हो चुकी है। साथ ही आपको मिलता है रिचार्जेबल बैटरी, साथ ही मिलती है आपको इसके साथ केबल, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, तकरीबन ये साइज़ इसका होता है। एंड साथ ही आपको मिल जाता है इसके साथ पाउच, जो कि आपको इसको कैरी करने के अंदर काफ़ी आसानी देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक कॉम्पैक्ट पाउच आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसके अंदर आप इसको माउंट कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। एंड देन आपका ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपका लाइट भी शॉक गन हो जाएगा। सो मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँ, इसके अंदर जो बैटरी आती है दोस्तों, जो कॉपी आती है, उसके अंदर क्या करते हैं कि काफ़ी कम एम्पियर की बैटरी होती है, जो कि बहुत जल्दी सर्ज होकर खत्म हो जाती है, या दोस्तों आपकी ये जो चीज़ है ये वर्क ही नहीं करेगी कुछ टाइम बाद। तो ये चीज़ फ़र्क पड़ता है, दिखने में बस सेम होती है, बट आप यहाँ पर फिनिश क्वालिटी सब कुछ देख सकते हैं कि कितनी प्रीमियम है और काफ़ी हैवी भी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की। यहाँ पर हमारे इसके अंदर कोई दोस्तों इश्यूज आए नहीं है, तकरीबन हमने 300 यूनिट सोल्ड किया, बट टू बी ऑनेस्ट हमारे सिर्फ यहाँ पर दो कस्टमर को प्रॉब्लम आई थी, वो हमने रिप्लेस करके दे दी थी क्योंकि उनका जेन्युइन रीजन था। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स से दोस्तों इशू आ सकते हैं, बट प्रीमियम काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये यूजुअली आता नहीं है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर स्टिक, जो कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको चार तरीके की स्टिक दिखा देना चाहता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 टोटल हमारे पास 5 तरीके की स्टिक है। दिखने में सेम दिखते हैं, आप मार्केट के अंदर देखते होंगे दोस्तों कि यहाँ पर कोई इसको सिर्फ 400 के अंदर सोल्ड कर रहा है, कोई इसको 800 के अंदर सोल्ड कर रहा है। तो सारा खेल जो है दोस्तों इसकी क्वालिटी का है, जो कि जब तक आप हाथ में नहीं लेंगे आप इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये सारा जो दोस्तों खेल है, जब तक आप हाथ में नहीं लेंगे, जैसा कि मैंने बताया, तब तक आप फील ही नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे ये पहली स्टिक देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से ड्रैग करते हुए सामने निकल के आ जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉक हो रही है, तो यहाँ पर आप इसको लॉक कर पाएंगे कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। जो इसके साथ आपको कवर सबके साथ ही मिलेगा, बट कई ऐसी स्टिक्स होती है जिनके अंदर दोस्तों लॉक भी नहीं होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये स्टिक है, मैं कितना इसको लॉक करने की कोशिश करूँगा आप आगे से देख लीजिए। यहाँ पर मैं इसको लॉक कर रहा हूँ, यहाँ पर ये लॉक ही नहीं होगी, ये देखिए। तो यहाँ पर ये भी इशू आता है। पीछे से आप देख सकते हैं इस और स्टिक, दोनों स्टिक के अंदर आप डिफ्रेंशिएशन देख सकते हैं कि यहाँ पर इस एल्युमिनियम कोटेड आती है, जो कि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हेल्प करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रस्टेड हो जाती है, क्योंकि उस पर कोटिंग नहीं आती तो जल्दी भी ख़राब हो जाती है। आप दोनों को मैं आपको दोनों का साइज़ भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया चल सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि ईजिली पीछे की तरफ आ जा रही है और यहाँ पर लॉक नहीं हो रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीछे की तरफ नहीं जा रही है। अभी बाद में और आपको दिखाना चाहूँ,
यहाँ पर और अच्छी क्वालिटी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की क्वालिटी के अंदर मिलती है, ये काफ़ी सुपर हैवी क्वालिटी के अंदर आती है। वैसे दोस्तों जो मैं आपको ये क्वालिटी दिखा रहा हूँ ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बट आप बियॉन्ड ही जाना चाहते हैं, मतलब एक्सेप्शनल केस के अंदर ही जाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। इसका जो वेट है 500 ग्राम से ऊपर चला जाता है। इनका जो यूजुअली होता है 450, 460, 470 जैसा कि मैंने बताया, उन सब के अंदर डिफरेंशिएशन आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो आप देख पाएंगे कि कितनी शाइनिंग और कितनी वेल फिनिशिंग है। यहाँ पर मैंने जैसे बताया, आप जब तक हाथ में नहीं लेते तब तक आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। एक चीज़ मैं बता दूँ, जो इसकी लेंथ होती है क्लोजिंग टाइम पे वो 25 सेंटीमीटर होती है और एक्सपांड होने के बाद 65 टू 68 सेंटीमीटर के समथिंग यहाँ पर होती है। आप इस चीज़ से कलर से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये भी चीज़ मैं बता दूँ, क्योंकि कॉपी इतनी सारी है कि आप उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये स्टिक काफ़ी लाइट वेट के अंदर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो पीछे का अपीलिंग है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आप दोनों को देख पाएंगे तो एक माइनर सा ही इनके अंदर डिफरेंशिएशन है। आगे की तरफ से आप देख सकते हैं जो बियॉन्ड लेवल है, खैर इसका तो कहना ही क्या दोस्तों, ये तो बिल्कुल एक्सेप्शनल केस है जैसा कि मैंने बताया। ये तो काफ़ी, अगर आप मतलब जैसे पत्थर ही तोड़ना चाहें तब आप इस चीज़ को यूज़ करिए, अदरवाइज़ सिर्फ आपको सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लेनी है तो आप यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया ये स्टिक है, ये भी काफ़ी अच्छी है। और ये जो स्टिक्स आती है, ये हो गई दोस्तों, यहाँ पर ये हो गई, ये जो स्टिक्स हैं इनके अंदर दोस्तों मतलब मजे वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आपको ये सब बाई करनी चाहिए। सो अगर आपको ये प्रोडक्ट बाई करना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमें ऑर्डर दे सकते हैं। वन थिंग, प्री पेमेंट होगा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि कई बार कस्टमर प्रोडक्ट मंगवाते हैं कैश ऑन डिलीवरी के अंदर, फिर वो बोलते हैं कि हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए या हम अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, कुरियर जाता है, कुरियर आता है, तो हम पे अच्छा खासा कुरियर चार्ज लगता है, तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए दोस्तों। आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पे 450 प्लस वीडियोज़ हैं, तो आप ट्रस्ट रखिए इस चीज़ का, आपको बिल्कुल भी इश्यू नहीं आएगा। हम 3 साल से हमारे यूट्यूब चैनल पर वर्क कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे हमारे सब्सक्राइबर है, तकरीबन 70K के समथिंग हमारे सब्सक्राइबर, 17,000 लोगों का हमारे पे ट्रस्ट है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल निश्चिंत होकर हमसे बाय कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। और मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर एक कितना बड़ा रोड है और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये वर्क करता है। सो आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं, आपको एड्रेस फॉर्मेट भेजना होगा, स्क्रीनशॉट भेजना होगा पेमेंट का, और एक कंसेंट भी देना होगा कि हम इसको अपने पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे, किसी को हार्म करने के लिए नहीं। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।